नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हार्डमिन क्लासेस। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 28 अप्रैल के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में बताने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले करंट अफेयर जो इम्पॉर्टेंट है उसको बताने से पहले जो मुख्य खबर है पहले उस पर थोड़ा ध्यान दे दिया जाए और उसके बाद फिर मैं आपको करंट अफेयर बताऊँगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट नंबर क्या है खबर कि एनी एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन विल बी ग्रेडेड, हिंट्स पीएम मोदी। मतलब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोल रहा, आपको बस ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। मोदी जी यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, कल जो मीटिंग हुआ था, कल 6 राज्य के राज्य सरकार के साथ जो है ना मीटिंग हुआ था, ठीक है। तो उसमें बातचीत हुआ कि लॉकडाउन टूटेगा कि नहीं टूटेगा, कि आगे बढ़ाया जा सकता है कि नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो वहाँ से ये हिंट्स मिल रहा है, क्योंकि अभी तो वहाँ पर रिजल्ट तो नहीं ना आया है, अभी तो सिर्फ मीटिंग हुआ है, अभी मोदी जी तो बताया नहीं है कि क्या होगा। तो वहाँ पर जो लोग जो खबर लोग हैं, ठीक है, जो न्यूज़ रिपोर्टर लोग हैं, तो उन्होंने ये बताया कि पिछले, मतलब मोदी जी ऐसा बोल रहे थे कि पिछले 1.5 महीना में इसका जो रिज़ल्ट है, ठीक है, मतलब पिछले 1.5 महीना में इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आज देखने को मिला है। तो उन्होंने क्या सोचा है कि जो जो एरिया रेड जोन पे है उन सबको जो है एक साइड रखा गया है, और जो ग्रीन जोन पे है उसको एक साइड रखा गया है, और जो ऑरेंज जोन पे है, ठीक है, जो ऑरेंज है उसको एक साइड रखा गया है। तीनों को यहाँ पे काउंट करने के लिए बोला गया है, ठीक है, मतलब मोदी जी बोले हैं तीनों को काउंट करने के लिए। उसके बेसिस पर ये बताएंगे कि क्या 3 मई के बाद ये लॉकडाउन टूट सकता है या नहीं टूट सकता है। अभी तक सिर्फ एक अनुमान लगाया जा रहा है कि टूट भी सकता है और नहीं भी टूट सकता है, ठीक है। सेकेंड नंबर खबर की तरफ चलते हैं। सेकेंड नंबर हमारा है कि कोरोना वायरस के ऊपर क्या कि स्टॉप यूजिंग 2 चाइनीज फर्म्स रैपिड टेस्ट किट्स, ICMR टेल्स स्टेट। अब ये ICMR क्या है फ्रेंड्स, तो आपको मैंने बताया था कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मतलब कि भारत का वह काउंसिल जहाँ पे मेडिकल चीज़ का जो रिसर्च किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ इसके बारे में तो मैंने आपको बताया था ना कि राज्य सरकार जो है दो दिन के लिए रैपिड टेस्ट किट का यूज़ करने के लिए बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि चाइना से जो किट आ रहा है वो सब बेकार हो जा रहा है, क्योंकि वो सब फालतू का किट बना रहा, स्पीड में बना रहा है, सही से बना भी नहीं रहा, और सिर्फ पैसा कमाने के लिए जो है ऐसा कर रहा। इसीलिए अभी यहाँ से ये खबर सुनने को मिल रहा क्या कि चाइना का जो भी आएगा रैपिड टेस्ट किट या फिर जो भी है अभी तक उसका यूज़ करने के लिए बंद कर दिया गया है। और अभी जितना भी देश है ना फ्रेंड्स, सभी को ये नुकसान पहुँचा रहा है इसका टेस्ट किट, क्योंकि यूज़फुल हो ही नहीं रहा है, बेकार हो जा रहा है, कोई काम का हो ही नहीं रहा, जिसके कारण से सभी लोग अब इससे लेना भी बंद कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है इंडिया खुद बना रहा है, ऐसे पहले भी बनाता था, लेकिन बस बात ये था कि वहाँ से मंगा रहा था, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, लेकिन इंडिया के पास वो तो अभी कम मात्रा में बन रहा था, लेकिन अब ये वहाँ से मंगाना बंद कर दिया है, वही बोल रहा है यहाँ का ICMR जो कहते हैं राज्य सरकार को, ठीक है। 3 नंबर हमारा खबर क्या है कि तमिलनाडु इरेक्ट्स ब्रिक वॉल्स ऑन इंटर स्टेट बॉर्डर विथ आंध्र प्रदेश एट चित्तूर। मतलब क्या बोल रहा कि आंध्र प्रदेश में जो चित्तूर है, ठीक है, तो वहाँ पे तमिलनाडु जो है 3 बॉर्डर के साथ, मतलब आंध्र प्रदेश के 3 बॉर्डर के साथ जो है एक ब्रिक वॉल तैयार किया है, मतलब ईंटा और सीमेंट का जो होता है ना, ईंटा और सीमेंट का जो एक वॉल तैयार किया है उसके तीनों बॉर्डर की तरफ। ऐसा क्यों किया है? ताकि कोरोना वायरस जो है ना फैले, है ना, टू टैकल द कोरोना वायरस ताकि जो है ना फैले, इसके लिए जो है वहाँ पर तीनों बॉर्डर में क्या किया गया है, एक दीवार खड़ा कर दिया गया है। अब देखिए कैसे हो सकता है कि कैसे ना फैले, तो क्या है ना, अभी देखिए क्या हो रहा इस कोरोना वायरस जो फैल रहा है, कैसे फैल रहा, एक तो हो गया कि अपना देश के कारण फैल रहा, ठीक है, मतलब यहाँ पे जिसको भी हुआ है अगर आप उसके कॉन्टेक्ट में आते हो तो वो फैल रहा। दूसरा ये है कि यदि कि आपका राज्य का, ठीक है, यदि आपके राज्य का कोई नागरिक अगर दूसरे राज्य में है और वो अगर आपके राज्य में किसी भी तरह अगर आ जाता है अचानक से और कोई किसी को पता भी नहीं चलता है, तो उससे भी फैल सकता है। इसके लिए जो है इसको रोकने के लिए, कोरोना वायरस को रोकने के लिए जो है वहाँ पर दीवार लगा दिया गया है, ताकि कोई उस दीवार को तोड़ के थोड़ी ना कोई आ पाएगा, है कि नहीं। जब ये फिर ठीक हो जाएगा पूरा भारत में तो वो दीवार को तोड़ दिया जाएगा, और क्या, ठीक है। 4th नंबर हमारा है आज का, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ गया, क्या बोला जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल ऑन 24 अप्रैल 2020 एट द ओकेजन ऑफ नेशनल पंचायती राज डे। अब देखिए फ्रेंड्स, 24 अप्रैल को क्या था, तो 24 अप्रैल को हमारा था राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, इसी यही था ना। अब उस दिन मोदी जी ने कौन सा ऐप को लॉन्च किया था, तो उस दिन मोदी जी ने लॉन्च किया था ई ग्राम स्वराज पोर्टल, ठीक है, क्या था, ई ग्राम स्वराज पोर्टल। और इसमें क्या था, इस ऐप का खासियत क्या है, आपको पता होना चाहिए। इस ऐप का खासियत ये है फ्रेंड्स कि जितना भी
जितना भी जो काम हो रहा, ठीक है, जितना भी अभी जो काम कर रहे हैं, जैसे पुलिस लोग हो गया, डॉक्टर लोग हो गया, आशा वर्कर हो गया, इस एप्लीकेशन में सबका डिटेल्स दिया हुआ है। और आप अगर काम कर रहे हो तो आप अपने आप को वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो, ताकि अगर आपको कुछ हुआ, ठीक है, यदि आपको कुछ होता है तो सरकार आपको मदद करेगी, इसी से सरकार जो है आप पर नज़र रखेगी इस ऐप के ज़रिए। अभी क्या है फ्रेंड्स कि वर्ल्ड मलेरिया डे इज़ इंटरनेशनल इवेंट ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट एवरी ईयर, कि विश्व मलेरिया दिवस जो है हर साल किस अंतर्राष्ट्रीय तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी 25 अप्रैल के दिन, ठीक है, 25 अप्रैल के दिन ये जो है मनाया जाता है। और इसका जो है मेन एम क्या होता है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए क्या है कि द डे एम्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट मलेरिया डिजीज़ ग्लोबली, इट विल ऑल्सो प्रमोट एफर्ट्स टू प्रिवेंट मलेरिया अराउंड द वर्ल्ड। तो जिस तरह से अभी कोरोना वायरस आया है उसी तरीके से एक बार मलेरिया भी आया था, तो उस समय जो है मलेरिया को हटा दिया गया था पूरा वर्ल्ड से, जिस दिन को हटाया गया था 25 अप्रैल को दिन, उस दिन का ये जो है किया गया है, ठीक है, उसी दिन से इसको मनाया जाता है। और इसका मेन एम यही है कि मलेरिया डिजीज़ को पूरा दुनिया से जागरूक कर देना और दुनिया से हटा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि हाउ मेनी फार्मर्स एंड ट्रेडर्स रजिस्टर्ड ऑन किसान रथ मोबाइल ऐप जस्ट विद इन 1 वीक ऑफ इट्स लॉन्च। मतलब कि किसान रथ मोबाइल ऐप जो है इसका एक सप्ताह हुआ है ये लॉन्च किया हुआ, कि यहाँ पे बहुत सारे किसान जो है और ट्रेडर्स लोग जो है, मतलब जो मार्केटिंग करते हैं, उन्होंने अपना नाम जो रजिस्टर किया है। तो यहाँ से पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि कितना मात्रा, मतलब कितना नंबर में फार्मर और ट्रेडर जो है रजिस्टर किया है अपना नाम, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी 1.5 लाख इसका लॉन्च होते ही। अब इसमें फ़ायदा क्या है जो इतना सारा लॉन्च, इतना सारा जो है इसमें सब अपना नाम दे दिया, रजिस्टर कर दिया। इसका फ़ायदा ये है फ्रेंड्स कि इन लोग अपना जो सामान मंगवाते हैं, ठीक है, ये लोग बाहर से जो सामान मंगवाते हैं, अपना ट्रांसपोर्ट जो करवाते हैं सामान का, उसमें इन लोगों को सुविधा मिलेगा, राइट मोड मिलेगा, एक सही डायरेक्शन मिलेगा आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। जिससे क्या होगा ना, ऐसे क्या होता है कि ऐसे जो रोकथाम लगता है कि ये नहीं, ये आना मना हो जाएगा, ये जाना बंद हो जाएगा, तो उसके लिए बोला गया कि अगर जो पर्सन इस ऐप में रजिस्टर कर देगा उस पर्सन का, ठीक है, उस पर्सन का ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई भी बाधा नहीं आएगा। और ट्रांसपोर्टेशन का क्या क्या है, देखिए फूड ग्रेन जैसे ये सब हो गया लेके आना जाना, है ना, सीरियल कोर्स सीरियल, फिर पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ऑयल सीड, फाइबर क्रॉप्स, फ्लावर, ठीक है। तो कितना किसान जो बोल सकते हैं आप लोग कि कितना किसान जो इसमें नाम दिया है, तो 1.5 लाख किसान, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है, ठीक है, नासा का जो इंजीनियर है, हैव डेवलप्ड अ न्यू हाई प्रेशर वेंटिलेटर टेलर्ड स्पेसिफिकली टू ट्रीट COVID-19 पेशेंट। उस वेंटिलेटर का नाम क्या है, एक नया उच्च दाब का वेंटिलेटर बनाया है, तो उस वेंटिलेटर का नाम है हमारा वाइटल, ठीक है, क्या नाम है, तो वाइटल नाम है वेंटिलेटर का, ठीक है फ्रेंड्स। 8वां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ एप्लीकेशन लॉन्च्ड इन CISF टू इनेबल मूवमेंट ऑफ फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स विदाउट फिजिकल टच। मतलब क्या है ना, अब जैसे कि आप इसको ऐसे समझिए कि आप जो न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं उसमें मान लीजिए कि मुझे कोरोना वायरस हुआ है, और आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, अब मैंने उस न्यूज़पेपर को पढ़ लिया, उसको टच कर दिया, अब उस न्यूज़पेपर को कोई और अगर टच करेगा तो उसे भी कोरोना वायरस पकड़ लेगा, जाहिर सा बात है। तो यही सब चीज़ से बचने के लिए, ठीक है, यही सब डॉक्यूमेंट फाइल का टच से बचने के लिए क्या किया गया है, एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, उस एप्लीकेशन में ही ये सभी फाइल और ये सभी डॉक्यूमेंट का उसमें काम किया जाएगा, ताकि फाइल में फिजिकल टच ना हो और सभी काम डिजिटली हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ई कार्यालय, ठीक है, क्या हो जाएगा, ई कार्यालय यानी इलेक्ट्रॉनिक कार्यालय। ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, जैसे ईमेल में भी होता है ना ईमेल, यानी कि क्या, इलेक्ट्रॉनिक मेल, उसी तरीके से। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि विच योजना विल यूज़ ड्रोन्स इन मैपिंग ऑफ प्रॉपर्टीज इन विलेजेस एंड विल मेक इट ईजियर फॉर विलेजर्स टू अवेल लोन्स फ्रॉम बैंक। मतलब कि कौन सा योजना जो है गाँव में संपत्तियों की मैपिंग की में ड्रोन का उपयोग करेगी और ग्रामीणों के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त करना आसान बना देगी। मतलब ये है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बोला जा रहा कि अभी जहाँ जहाँ जिस गरीब लोगों को, ठीक है, जिस गांव में भी पैसा नहीं पहुँचा है, या फिर जहाँ पे लोग जो है गरीब लोग जो है लोन लेना चाहते तो है बट सरकार का वहाँ तक मदद नहीं पहुँच पाया है, तो उसके लिए सरकार ने क्या सोचा है कि ड्रोन से सब जगह मैपिंग किया जाएगा कि कहाँ पर ऐसा जो है नहीं हो पाया है, क्योंकि सब जगह तो नहीं पहुँच पाया है, तो ड्रोन से सब जगह जाया जाएगा और उसके बाद फिर उसे किस योजना के तहत जो पैसा मिलेगा या फिर जो लोन दिया जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी स्वामित्व योजना। कौन सा योजना, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, स्वामित्व योजना, ठीक है। तो ये हमारा, अच्छा, 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का
केहू टुक ओथ एज चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑन 25 अप्रैल 2020, यानी कि 25 अप्रैल 2020 को मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली थी? तो संजय कोठारी ने शपथ ली थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी संजय कोठारी, याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। यानी क्या, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, कमिश्नर के रूप में इनको जो शपथ मिला था। बस ये हमारा आज का लास्ट था फ्रेंड्स। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको डेली करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लाकर देता हूँ। और एक इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, यदि आप अभी 9th क्लास में हो तो मैं आपको 9th क्लास का पूरा मैथ का सोल्यूशन करवा रहा हूँ, तो आप वो भी आके देख सकते हो, ठीक है। चलिए, मैं आपको मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ।